नमस्कार दोस्तों, आज मैं अलजेब्रा के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो एसएससी और सीजीएल के एग्ज़ाम में आते रहते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्स प्लस वन अपन एक्स इक्वल टू फोर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स पावर फोर इक्वल टू क्या होगा। तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू ए होता है, इसलिए ए का वैल्यू यहाँ चार हो जाएगा। अब ए का वैल्यू चार हो जाएगा, इसके बाद हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू, ए स्क्वायर माइनस टू। ए फोर है, फोर का स्क्वायर माइनस टू, फोर को फोर से मल्टीप्लाई करने पर सिक्सटीन माइनस टू इक्वल टू फोर्टीन। लेकिन हमें वैल्यू मालूम करना है एक्स पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स पावर फोर का, और वैल्यू अभी जो निकाले हैं वह है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर्टीन, और मालूम करना है एक्स का पावर फोर का। यदि इसका स्क्वायर हम निकाल देंगे, इसका स्क्वायर निकाल देंगे तब एक्स का पावर फोर हो जाएगा। तो एक्स का पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स का पावर फोर इक्वल टू हो जाएगा, यही सूत्र सेम रखना है, कॉन्स्टेंट का स्क्वायर माइनस टू, कॉन्स्टेंट का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस टू, यहाँ कॉन्स्टेंट है चौदह यानी फोर्टीन, फोर्टीन स्क्वायर माइनस टू, वन नाइन्टी सिक्स माइनस टू यानी एक सौ चौरानवे, यह हमारा आंसर हो जाएगा। इसे बेसिक मेथड पर भी सॉल्व करके समझ सकते हैं। आपको यह अभी कन्फ्यूजन आ रही होगी कि यहाँ ए स्क्वायर है, ए का पावर दो प्लस वन अपॉन एक्स इसका ही पावर दो है, तो ए स्क्वायर माइनस टू आया है, यहाँ भी टू आया है, और इसका जब फोर कर रहे हैं पावर फोर हो रहा है फिर भी दो आ रहा है, तो इसका पावर दो होगा फिर भी दो ही आएगा। हम जरा बेसिक मेथड पर हम इसको समझ लेते हैं। दिया हुआ है वैल्यू एक्स का पावर टू प्लस एक्स का पावर टू इक्वल टू फोर्टीन, यही ना है, ए लिए है किसके जगह पर, चौदह के जगह पर, तो यहाँ भी ए ले लेते हैं चौदह के जगह पर, ए लेते हैं, क्योंकि हमें अभी फार्मूला तैयार करना है कि फार्मूला कैसे आता है ए स्क्वायर माइनस दो। दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ, जब दोनों तरफ वर्ग होगा तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा बी यह है इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स का पावर फोर प्लस यह एक्स स्क्वायर है और यह डिनोमिनेटर है, इनोमिनेटर है, दो को वन से मल्टीप्लाई करने पर दो हो जाएगा प्लस वन अपॉन एक्स पावर फोर, क्योंकि इसका स्क्वायर करना है इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। तब एक्स पावर फोर एक कांस्टेंट है, इसको दाहिने तरफ ले जाएंगे प्लस वन अपॉन एक्स पावर फोर यह वाला वैल्यू, और इसे तो हमें राइट हैंड साइड ले जाना है, ए स्क्वायर माइनस टू हो जाएगा। देखिए ए स्क्वायर माइनस टू आ गया है, किसका वैल्यू एक्स पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स पावर फोर, तो हम शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं इसलिए ए स्क्वायर माइनस टू डायरेक्टली यहीं पर कर देते हैं, यहीं पर। तो अब अगला टाइप का क्वेश्चन समझ लेते हैं जो कि है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू फाइव, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स पावर फाइव। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू होता है ए, जहाँ ए का वैल्यू पाँच दिए हुआ है, ए कांस्टेंट है, ए पाँच दिए हुआ है,
एक्स प्लस वन अपन एक्स इक्वल टू ए, जहाँ ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हिंदी होता है अचर, अचर है इसके साथ कोई चर नहीं लगा हुआ है, तो यह 5 है दिया हुआ इसमें। यहाँ भी हम सबसे पहले एक्स का पावर 2 ही निकालेंगे, वन अपन एक्स पावर 2, क्योंकि एक्स का पावर 5 आना चाहिए। इसका मान होता है ए स्क्वायर माइनस 2, ए स्क्वायर माइनस 2। इस पर पुट करेंगे, ए का वैल्यू 5 दिए हुआ है, 5 स्क्वायर माइनस 2, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 इक्वल टू 23। लेकिन हमें मालूम करना है वैल्यू एक्स के पावर 5 का, और मालूम हुआ है एक्स का पावर 2 का। एक्स के पावर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स का पावर 5 आएगा, एक्स के पावर 3 से करेंगे तब ना, ये दोनों सेम है और तो इसका पावर जुड़ जाएगा, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। लेकिन हमको वैल्यू मालूम करना है एक्स का पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 5 से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 3 से, मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा एक्स का पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 5, और इसको मल्टीप्लाई करने पर एक संख्या आ जाता है जो आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर एक्स प्लस 1 बाई एक्स। इसको टोटली मल्टीप्लाई आप करते हैं इससे तो यह इतना ही नहीं आएगा, यह आ जाएगा एक्स का पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 5 प्लस, टोटल इतना आएगा। जब इतना आएगा तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का तो ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको हम माइनस यहाँ कर देते हैं, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। यहाँ इसको याद रखेंगे कि अगर एक्स का पावर 5 निकालना है तो एक्स का पावर 2 लेना है और 3 लेना है, फिर इससे माइनस कर देना है कितना, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स को, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर इतना आता है। अब यहाँ सबका वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है, 23 आया है। अब एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू, एक्स क्यू 1 अपॉन एक्स क्यू, एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू, इसका फार्मूला होता है, तो हमको तो इसका मान पहले ही पता कर लिए है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 होता है, लेकिन एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू इसका भी एक फार्मूला होता है, वो होता है ए क्यू माइनस 3 ए क्यू, एक कांस्टेंट है जो कि 5 दिए हुआ है, 5 का क्यू माइनस 3 ए है 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 माइनस 15 इक्वल टू आ जाएगा 110। 110 आ गया किसका वैल्यू, एक्स का पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 3 का, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का 23 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना है एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू का जो कि आया है 110, तो 110 रख दिए माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू दिए हुआ है 5 दिए हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 2530, और इससे माइनस कर देना है 5 इक्वल टू हो जाएगा 2525। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, मेरे हिस्ट्री को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।